टीवी देखने वाले का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं शशि चौरसिया। आज जैसा कि आपने देखा कि जोरों शोरों पे पंचकुला का जो नगर निगम का चुनाव है वो जारी है और उसको लेकर के लोग जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन करने के लिए यहाँ पे डीसी ऑफिस में पहुँच रहे हैं पंचकुला के। तो जानते हैं कि जो भी उम्मीदवार आज नामांकन के लिए आए हैं उनके क्या विचार है कि वो अब जो लोगों की परेशानी है, अपनी वार्ड की जो परेशानी है वो कितना उसको सॉल्व करेंगे और लोग अपना वादा कर रहे हैं उस वादे पर कितना खरा उतरते हैं, तो जानते हैं उनसे और बातचीत करते हैं। नॉमिनेशन फाइल किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हाईकमान का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे पे विश्वास जताया मैं उस पर खड़ा हूँ। तो अगर चुनाव प्रचार में समर्थन की बात की जाए तो किस प्रकार से लोगों का जो है चुनाव प्रचार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है बूथ स्तर तक पूरे हमारे सारे के सारे वर्कर, चाहे वो मंडल है, चाहे शक्ति केंद्र हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हैं, हर जगह हमारी पूरी पूरी टीम बनी हुई है और पूरा हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर उम्मीदवार हैं तो कैसा मुकाबला मानते हैं अपने साथ? वो आप सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने जब वो मेयर रही यहाँ पर क्या कार्य होने दिए, क्या नहीं हुए, ये सारे का सारा पंचकुला जानता है। सर मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो मेन मुद्दा वही है, काम किया है, काम करेंगे, विकास पहले भी किया है, विकास पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे काम है जो पंचकुला के भी होने बाकी हैं, लोगों की मांग भी। 4,000 करोड़ के पिछले 6 साल के अंदर हमारे आदमी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ पर पंचकुला के अंदर कार्य कराए हैं। बाकी भी जो और भी समस्याएं हैं वो हम 35 साल से यहीं रह रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनको सबको प्रायोरिटी के आधार पर हल किया। अपना नाम और वार्ड नंबर? मेरा नाम जय कौशिक है और वार्ड नंबर 5 सेक्टर 15 फोन क्वालिफिकेशन एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाब। कौशिक जी किस पार्टी से उम्मीदवारी करने आए? मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी करने आया हूँ जी और मंडल अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास वार्ड का पंचकुला में। तो इस बार चुनाव में जो है किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं आपके वार्ड की जो अभी होना बाकी है? सेक्टर 15 में सबसे बड़ी जो लोगों की मांग है वो डिस्पेंसरी की। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत विकास किया है पंचकुला में और अगर मुझे सेक्टर 15 की जनता मौका देती है सबसे पहले स्पीकर साहब से बात करके डिस्पेंसरी की सुविधा वहाँ मुहैया कराएंगे। और मैं आपके काम करा सकती हूँ, आगे जाके आवाज बुलंद कर सकती हूँ जो कि मेरी बहुत बुलंद है, मुझे पता है बिना माइक के भी मैं बहुत बढ़िया बोलती हूँ। तो और भी लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं आपके वार्ड से, तो उनको लेके क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है? मेरा मुकाबला मेरे साथ है, बड़ा सिंपल। मैं लकीर छोटी नहीं कर रही, अपनी लकीर बड़ी कर रही हूँ। उनकी लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं, वो भी महिलाएं हैं, अपना काम कर रही है, मैं भी महिला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप ने और मेरे सास ससुर ने यही सिखाया है कि छोटी लकीर मत करो, दूसरे की अपनी लकीर बड़ी करो ताकि आप पहुंच सको। तो मेरी लकीर बड़ी हो रही है, उसके बाद पार्क है हसियाना के पास, उस पार्क के बाउंड्री वॉल करवाएंगे और उसके बाद उसमें झूला झूला लगाएंगे और एक्सरसाइज मशीनें लगाएंगे। तो कमियां बाकी ऐसे तो आपने अपने हिसाब से क्या सोचा है कि कुछ नई तब्दीली की जाए? समस्याएं एक अलग है, एक कोई नया सुविधा आप प्रदान करेंगे अपने वार्ड को, कुछ ऐसा है नया सुविधा वार्ड में प्रदान करने का? यह है जी कि हमारे एक मरले में हनासमेंट बहुत ज़्यादा लिया है, उसको हम हुड्डा से या सरकार से जो फालतू ज़्यादा पैसे ले रखे हैं उसको हम वापस करवाएंगे। असियाना के जो है किस्तें जो है कम करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्याज लिया। तो गौतम प्रसाद जी इससे पहले आपने कभी नामांकन किया है? 2008 में मैं एमसी बन चुका हूँ जी। 15-20 साल से वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, रामला समिति का प्रधान हूँ वहाँ का, और एक संयुक्त रामला समिति पंचकूला कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने सेक्टर के सनातन धर्म मंदिर से लेके कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें मैंने सेवा न करी हो, और अब मैं चाहता था कि भी पिछले जो पार्षद थे सेक्टर में बहुत त्रुटियाँ रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे आगे आना पड़ा। पब्लिक का सहयोग था मेरे साथ में, पब्लिक ने मुझे कही कि आप कितना खरा उतरेंगे अपने आप पहले लोगों ने अजमाया फिर अजमाएंगे 100% वेलफेयर में मुझे लोगों ने अजमाया, मैं दिन रात 24 घंटे खड़ा रहा वहाँ पर, और मैंने मुझे रात को 1 बजे भी किसी ने जगा लिया तो मैं उसके साथ चला, दोपहर में कोई बच्चा भी आ गया किसी का काम है तो मैं उनके साथ चला। आपसे नामांकन करके आई हूँ, आपको कैसा लगा? बहुत खुश हूँ जी मैं,
तो आपके वार्ड की क्या क्या कमियां हैं जिसको आप अभी अगर पार्षद बन जाती है तो आप पूरी करने की कोशिश करेंगे? मैम हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है। इधर देखिए जी, इधर कैमरे की तरफ। पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है और थोड़ी साफ सफाई ग्राउंड का भी। आपने जो नामांकन भरा है आजाद भरा है? हाँ जी, आजाद नामांकन भरा है। कोई दो संकल्प जो आप अपने वार्ड के लिए लेना चाहती हैं, जो अपने वार्ड में सुधार करना चाहती हैं? लोगों के लिए काम है, विकास का। सबको मैं साथ लेके चलूंगी, सब मेहनत पहली बार ना मानी आपके पार्षद बनने के बाद। योजना क्या है आपकी? मैं ईमानदारी से अपने फर्ज निभाऊंगी जी, सबके सबको साथ लेके चलूंगी। आपने पहले भी नामांकन किया है या फिर फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। अपने वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको यही कहना चाहती हूँ, मैं ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगा, आप मुझे सपोर्ट दो। सर, आप वार्ड नंबर 8 से नामांकन भरने आए हैं, पहले भी पार्षद रह चुके हैं, दूसरी बार आप नामांकन भर रहे हैं, कैसा अनुभव आपका? बिल्कुल, लोगों के लिए पहले भी सेवा की है और अभी भी उसी के प्रयास में है और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो वापस वही सेवा लोगों के लिए, जनहित में जो भी कार्य होंगे वो तो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा उनके लिए। ठीक है। और सर, आपके वार्ड में कोई ऐसी सुविधा जो आप चाहते हो कि हमें ये तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, दो चीज़ मेन है जो मेरी प्रायोरिटी के ऊपर रहेंगी। एक है कि बरसाती पानी के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्जेबल बोर बनवाई जाए। दूसरा है कि उसके अंदर सिक्योरिटी गेट और ग्रिल, जो कि पंजाब के साथ लगता एरिया मेरा, और वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मेरी प्राथमिकता के ऊपर ये रहेगा कि मैं सबसे पहले ये दो कार्य मेरे वार्ड के लिए, सेक्टर के लिए करवाऊँ। तो इससे पहले पार्षद रहे आप, तो क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई आपने अपने वार्ड को? मेरे वार्ड में कंप्लीट गलियां, सड़कें, फुटपाथ, पार्कों में हाई मास्क लाइटें, एलईडी लाइट और बेंच, झूले, हट, ठीक है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की जीवन के अंदर जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत रही है वो मैंने कंप्लीट बनवाई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।